जी न्याजी साहब। जी वालिम साहब। क्योर हॉस्पिटल देखा है आपने? हाँ हाँ वही वही। वहाँ चले जाइए, रिसेप्शन पे मेरी मिसेस के नाम से कुछ बिल है, वो क्लियर कर दीजिएगा। और सुनिए, एडवांस भी जमा करवाइए, कि आने वाले वक्त में भी जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करती रहे। जब तक जिएगी दिलनशीन पछताती रहेगी। साफ जाहिर है मां, जिसके लिए उसने हमें छोड़ा उसी ने उसे छोड़ दिया। और उसकी मां को देखा था कितना शोर शराबा किया उसने, इसीलिए शायद उसके घर वाले भी नाला होंगे। तुम्हें कोई फोन किया उसने? जी मां, कॉल भी आई थी, मैसेजेस भी। वो यही कह रही है कि वो इस बात को खत्म करने गई थी, मना करने गई थी, लेकिन जब उस लड़के को पता चला कि वो प्रेग्नेंट, तो उसने गुस्से में जाके एक्सीडेंट कर दिया। सवाल तो ये है कि ये सिलसिला था ही क्यों? जब एक अच्छी बीवी होने की इतनी अच्छी अदाकारी कर रही थी तो फिर ये सब क्यों? तुम्हें क्यों धोखा दिया उसने? नहीं 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 नहीं, नहीं धोखा नहीं दे रही थी। बहुत पहले तलाक मांग ली थी उसने मुझसे, मैंने मैंने मोहलत मांगी थी उससे। क्यों? ताकि आपकी तबीयत ठीक हो जाए, आप बेहतर हो जाए, फिर उसके बाद जो भी कदम उसने उठाना है वो उठा ले, चली जाए बेशक। फिर तो अपने किरदार को अच्छी तरह निभा रही थी। मां आपको क्या हो गया है? बेटा, उसकी एक गलती की पादाश पे उसकी तमाम अच्छाइयों को, खूबियों को सिफर कर देना कहाँ का इंसाफ है? गौर से एक मां, वो हमारे घर की बहू होते हुए किसी और से शादी करना चाहती थी, किसी और से मिल रही थी, जबकि सब कुछ खत्म हो गया है। हमारा बच्चा तक खत्म हो गया है। जब उस लड़के ने उसे फारिग कर दिया है तो उसे हमारे भाई की और हमारी याद आ गई। माँ, और आप बैठी उसके लिए इंसाफ की बातें कर रही हैं? सारा, बेहतर होगा कि बजाय जहर उगलने के तुम फैसला अपने भाई पे छोड़ दो। बाकी रह क्या गया है फैसला करने के लिए? अच्छा बस बस छोड़ दो इस टॉपिक को प्लीज। बस आप ठीक हो जाइए, फिर से शुरू करूंगा जिंदगी।